नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। और जिस तरह की आज यहाँ प्रस्तुति दी हमारे स्कूल के बच्चों ने और मार्च पास जिस तरह से हुई, मैं समझता हूँ कि
देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह अपना बलिदान करके जिस कुर्बानी के साथ देश को आज़ादी दिलाई और देश के महान नेताओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया, आज हर देशवासी का ये कर्तव्य बनता है, ये प्रतिज्ञा का दिन है हम सब लोगों के लिए कि देश में नफरत का वातावरण नहीं बने, हिंसा का वातावरण नहीं बने, असहिष्णुता का वातावरण नहीं बने। हम आज संकल्प लें कि जो हमारी अनेकता में एकता की जो विरासत है वो महफूज रहे, देश एक रहे, अखंड रहे। ये प्रतिज्ञा का दिन होता है हमारे लिए, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, हमारे उद्योग धंधे मजबूत रहे, महंगाई पे लगाम लगे, बेरोज़गारी जो सातवें आसमान पे बढ़ी हुई है उस बेरोज़गारी पे अंकुश लगे, देश की नौजवान पीढ़ी को रोज़गार मिले और देश तरक्की के रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़े। ये हम सब लोगों का आज के दिन संकल्प होना चाहिए। इस देश को हमारे महान नेताओं ने जिस तरह स्वतंत्र कराया और जिस तरह संविधान सभा के जो हमारे लोग थे, सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबू कलाम आज़ाद हो, सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों की देखरेख में जो एक संविधान का निर्माण किया गया वो उत्कृष्ट संविधान हमारे देश को मिला, बहुत मजबूत संविधान है। उस संविधान की रक्षा की शपथ हम लें और जो प्रीएम्बल संविधान के अंदर है, जो तत्व संविधान के अंदर निहित है, उनकी मूल भावनाओं से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो। ये देश सब धर्मों के मानने वालों का देश है, सब भाषाओं को बोलने वालों का देश है, अनेक तरह के खानपान और वेशभूषाओं का देश है। ये गुलदस्ता है, इसे महफूज रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है और ऐसा कोई कदम हम नहीं उठाएं जिससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर हो। देश मजबूत बनेगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा संकल्प आज के दिन होना चाहिए। आबकारी विभाग ने गेगल टोल नाके के पास से अवैध शराब से भरी मिनी ट्रक को पकड़ा, ट्रक में पाई गई लाखों रुपए की शराब। रविवार 26 जनवरी को जेंडर रोन के साथ ही आबकारी विभाग की टीमों ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब सहित एक मिनी ट्रक को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। राज्य में चल रही पंचायत राज चुनाव को लेकर वे 26 जनवरी शुक्ष दिवस की पालना को लेकर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन अजमेर राजेंद्र सिंह राठौड़ और जिला आबकारी अधिकारी राजेश गोयल के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान में अजमेर आबकारी विभाग की टीमों ने मुस्तैदी के साथ ही अवैध शराब तस्करों पर अपनी पैनी निगाहें जमाई हुई है, जिसके कारण टीमों ने एक माह के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब सहित दो ट्रक जब्त कर तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आबकारी निरीक्षक संपत राज ने बताया कि आज प्रातः झंडा रोड के तत्पश्चात सुबह लगभग 8:30 बजे मुखबिर की सूचना पर गगवाना किराए पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक मिनी ट्रक 407 DLIL R 9727 को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक की गति बढ़ाते हुए भगाने का प्रयास किया, जिसको टीम ने पीछा कर ट्रक को पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर ने टीम को पीछे आता देख ट्रक को सड़क किनारे लगाकर मौके से फरार हो गया। टीम द्वारा उक्त ट्रक की तलाशी लेने पर 34 पेटी RD स्पेशल अवैध अंग्रेजी शराब की पाई गई, जो फोर सेल अरुणाचल प्रदेश की थी। विभाग ने मौके से अवैध शराब सहित ट्रक को अपने कब्जे में लेकर अज्ञात शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई टीम में आबकारी अधिकारी रामलाल मीणा सहायक, आबकारी अधिकारी महावीर कुमार राठौर, आबकारी अजमेर उत्तर के वृत्त निरीक्षक डॉक्टर संपत राज, जमादार ओंकार सिंह, सिपाही करण सिंह मनोज सहित जाप्ता मौजूद था। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने नाकाबंदी कर रखी थी। इस नाकाबंदी के दौरान ही मुखबिर की सूचना के अनुसार दिल्ली नंबर की एक टाटा 407 को हमने पकड़ा और जैसे ही हमने पकड़ने की कार्रवाई के लिए जब तक ट्रक के पास पहुंचे, उससे पहले ड्राइवर वहां से गायब मिला और हमने इस ट्रक को खोला और देखा तो उसमें हमने 34 पेटी RD स्पेशल की अरुणाचल प्रदेश निर्मित मदिरा को बरामद किया। उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है
और इस तरह की कार्रवाई और नाकाबंदी और सघन दावों की कार्रवाई। अंदरकोट में फहराया गया तिरंगा हर साल मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। हर साल की तरह इस साल भी अंदरकोट में हाजी चांद के परिवार द्वारा तिरंगा फहराया गया। उन्होंने बताया कि कई सालों से मेरे परिवार द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है। हाजी चांद ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को अपने घर पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराना चाहिए। जी बताइए, आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है अंदरकोट में? अंदरकोट में हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है हमारे घर पे। और ये हमारे फादर 1947 में झंडा फहराते थे, उसकी जो पूरी रीत रस्म के साथ जिस तरह से वो फहराते थे, आज हम भी 1964 से हमारे फादर के इंतकाल के बाद ये झंडा फहराते आए 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और हम पूरे हिंदुस्तान को ये यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने घर पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराना चाहिए। और इसी तरह से हमारे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा रहना चाहिए। हम सारे पूरे भारतवर्ष के लोगों को अजमेर के तरफ से 26 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। और हम इसी तरह से हमारे आने वाली नस्ल के लिए ये नसीहत करके जाएंगे कि हमारे बाद इसी तरह जब तक पूरी दुनिया कायम रहे, हिंदुस्तान कायम रहे, कायमत तक हम इस झंडे को, तिरंगे को फहराते रहेंगे और सारी दुनिया में हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाजी चांद खान, पूर्व अध्यक्ष पंचायत अंदर। सेंट्रल जेल में मनाया गया 71वां गणतंत्र दिवस। सेंट्रल जेल पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने किया झंडारोहण। आज 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ सेंट्रल जेल में भी मनाया गया, जहां पर सेंट्रल जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया, जिसके पश्चात सेंट्रल जेल के स्टाफ ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गान गाया। इस मौके पर सभी स्टाफ को और जेल के कैदियों को नगर निगम के सौजन्य से लड्डू का वितरण किया गया। वहीं सेंट्रल जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिन भी बंदी ने अच्छा काम किया है उन्हें सजा माफी का प्रावधान जेल अधीक्षक स्तर पर दिया गया है। आज 71वें गणतंत्र दिवस पे केंद्रीय कारागार अजमेर में धूमधाम से ये मनाया गया, जिस पे झंडा को सलामी दी गई और सभी स्टाफ को मिष्ठान का वितरण किया गया। इसके साथ ही जो बंदी हैं उनको भी नगर निगम के सौजन्य से मिष्ठान का वितरण किया गया है। और जो अच्छा कार्य करने वाले बंदी हैं उनको जो अधीक्षक के स्तर पे रिमिशन दिए जाने का प्रावधान है सजा माफी का, जैसे बैंड है हमारा, इसके अलावा जो बंदियों जो जेल की व्यवस्थाओं में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दिया गया है। और इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस। कलेक्टर विष्णु शर्मा ने किया झंडारोहण तो एसपी कार्यालय में पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप ने किया झंडारोहण। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्टर और एसपी कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसपी कार्यालय में पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप ने झंडारोहण कर सभी पुलिसकर्मियों को, सभी अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं अजमेर वासियों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी और उनके कार्य में और सफलता हासिल हो ऐसा प्रयास करेंगे। अजमेर के सभी साथियों को आज 26 जनवरी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी साथी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे अजमेर पुलिस की तरफ से कि हम लगातार बेहतर काम करते हुए आप सभी की सुरक्षा आज के इस दिन पर हम एक तरह से वचनबद्ध होकर के और बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। वहीं जिला कलेक्टर विष्णु शर्मा ने कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया। इस मौके पर सभी कलेक्ट्रेट के आला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर विष्णु शर्मा ने सभी अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे ऐसी कामना की। आज 71वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से अजमेर जिले में मनाया जा रहा है। सभी अजमेर वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अपना राष्ट्र आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और लोगों में प्यार शांति कायम रहे, यही मेरा संदेश है। और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 9:30 बजे मुख्य अतिथि है हमारे जो हैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके द्वारा पटेल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया जाएगा और उसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और एक व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम भी है। तो मैं सभी अजमेर वासियों को, शहर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और 71वें
गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हों और राष्ट्र की आगे बढ़ने में सभी उसमें सहायता करें। सीआरपीएफ में मनाया गया 71वां गणतंत्र दिवस झंडारोहण के बाद सभी ने तिरंगे को दी सलामी। आज 71वां गणतंत्र दिवस सीआरपीएफ में भी मनाया गया। झंडारोहण के बाद सभी सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने तिरंगे को सलामी देते हुए भारत माँ की जय के नारे लगाए। इसी दौरान इस साल फोर्स में वह जवान जिन्हें गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है उनके नाम घोषित किए गए, जिससे कि सभी जवानों को उन जवानों से प्रेरणा मिले और वह भी अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन कर सके। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं समस्त अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे हम सीआरपीएफ अजमेर में हर वर्ष बात की, इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। शहीदों के सम्मान में पुष्प अर्पण किए गए, उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर कार्यक्रम आप देख रहे हैं चल रहा है। शाम में 5-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसमें अजमेर की 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें पहली बार हम महिलाओं का या बच्चियों का टूर्नामेंट भी करा रहे हैं और इस तरह से गतिविधियाँ चलेगी। केंद्रीय विद्यालय में गतिविधियाँ हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कैंप के अंदर है उसमें गतिविधियाँ हैं और हमारा जो मॉन्टेसरी स्कूल सीआरपीएफ है उसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम को बड़ा खाना होगा, इस प्रकार की गतिविधियाँ आज करेंगे। मैं समस्त अजमेर वासियों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, 71st गणतंत्र दिवस को आज ग्रुप सेंटर 1 अजमेर में धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि हमारी परंपरा है, स्टेशन के सभी अधिकारी यहाँ एकत्रित हुए, क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई तथा हमारे वो वीर जिन्होंने कि पिछले एक वर्ष में गैलेंट काम किया, जिन्हें गैलेंट्री मेडल मिले हैं, जिन्होंने फोर्स के नाम को ऊँचा किया है, उनके नाम पढ़ के बताए गए ताकि हमारे जवान प्रेरणा ले सकें उनसे और अच्छा काम करें, ताकि ये भी इनका नाम भी उस मेडल लिस्ट में आए और अच्छा काम करके फोर्स को आगे बढ़ाए। डीआरएम कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस, डीआरएम नवीन कुमार ने किया झंडारोहण। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर डीआरएम कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीआरएम नवीन कुमार ने झंडारोहण किया, जिसके बाद जवानों द्वारा परेड कर उन्हें सलामी दी गई। कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़े कई गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं डीआरएम नवीन कुमार ने अपने संबोधन में उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी रेलवे कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपका वो आपके परिवारजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तर पश्चिम रेलवे के रेल कर्मियों को सामूहिक रूप से ये मेरा प्रथम संबोधन है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये महाप्रबंधक साहब का संदेश है इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारी कार्य के प्रति सकारात्मक व ऊर्जावान हैं और रेल के विकास में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, जिसे इस रेलवे ने संपूर्ण भारतीय रेलवे पर अलग पहचान बनाई है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी वीर सेनानियों, शहीदों तथा महापुरुषों का नतमस्तक होकर स्मरण करते हैं, जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप हम खुशहाल व उन्नत राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर विकासशील व सम्मानित राष्ट्रों में सम्मिलित है। विगत वर्षों में भारतीय रेल नई दिशा की ओर अग्रसर हुई है। हम यात्रियों को बेहतर रेल सेवाएं व अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सभी रेल कर्मियों का दायित्व है कि हम पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रेलवे को नई ऊंचाई प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें। यात्रियों को समय अनुसार यात्रा करवाना हमारी प्राथमिकताओं में है। इसी कड़ी में हम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की समय पालना 89% प्राप्त कर भारतीय रेलवे। कोतवाली थाने पर नकली नोट का मामला दर्ज, आरबीआई जयपुर के प्रबंधक ने दर्ज करवाया मुकदमा। जयपुर गांधीनगर पर आरबीआई जयपुर के प्रबंधक ओम प्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया कि अजमेर से आई पीटीओ में 16 नोट 100-100 के नकली पाए गए, जिसको लेकर यह मामला कोतवाली थाने को दिया गया और कोतवाली थाना पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। थाने पर एक के गांधीनगर जयपुर पूर्व में श्री ओम प्रकाश कवैया सहायक प्रबंधक आरबीआई जयपुर ने एक रिपोर्ट दी थी कि अजमेर से भेजी गई तिजोरियों में गंदे नोटों में से परीक्षण के दौरान 16 नोट 100-100 के फर्जी पाए गए, जिस पर गांधीनगर जयपुर में मुकदमा दर्ज करवाया था, जो थाना अजमेर जिले का होने के कारण अजमेर जिले में नोडल अधिकारी जाली मुद्रा के संबंध में
थाना कोतवाली को चुना गया है, इसलिए थाने पर कल दिनांक को 489 AIPC में प्रकरण दर्ज हुआ है, इस पे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस लाइन में मनाया गया गणतंत्र दिवस, SP नारायण टोकस ने किया झंडारोहण, सभी पुलिस कर्मियों में बांटे लड्डू। आज देश का 71वां गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन में SP नारायण टोकस द्वारा झंडारोहण कर झंडे को सलामी देकर सभी कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। इसके पश्चात सभी पुलिस कर्मचारियों में लड्डू का वितरण कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। जी सर, आज झंडारोहण किया पुलिस लाइन में। 71वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन पर ये झंडारोहण भी कार्यक्रम हुआ है। इसके बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और फिर जो जिला स्तर पर समारोह होगा उसके अंदर भाग लेंगे। कल रात अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रद्द होने से हुआ हंगामा, RPF ने संभाला मामले को, यात्रियों से की समझाइश। अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रद्द होने के कारण यात्रियों ने कल रात हंगामा खड़ा कर दिया, जिसे लेकर GRP थाना पुलिस के साथ RPF ने मोर्चा संभालते हुए सभी यात्रियों को समझाइश का प्रयास किया। गौरतलब है कि भीलवाड़ा के आगे सोनियाना स्टेशन पर मालगाड़ी कार पहिया ट्रक से नीचे उतर गया, जिसके कारण अजमेर आने वाली गाड़ियां रद्द कर दी गई और कई मार्ग का परिवर्तन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में घंटों तक यात्री जयपुर उदयपुर हरिद्वार उदयपुर दिल्ली ट्रेन का इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रेन 3 घंटे तक नहीं पहुंची, जिसके बाद सभी यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने शाम 7 बजे जयपुर उदयपुर ट्रेन रद्द होने की जानकारी दी, जिसके कारण कई लोग रेलवे प्रशासन के खिलाफ रूस में दिखे और उन्होंने ट्रेन रद्द की जानकारी पहले नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान परेशान यात्रियों को घंटों तक रिफंड की लाइन में लगना पड़ा। इसके मामले में रेलवे प्रशासन ने मीडिया से बातचीत नहीं की। वहीं यात्रियों का कहना है कि रेलवे को जानकारी के बावजूद भी उन्होंने यात्रियों को परेशान किया और अब उदयपुर जाने के लिए ट्रेन के माध्यम से घंटों तक कोई विकल्प नहीं है, जिसके कारण और परेशानी झेलनी पड़ेगी। कहां से बच्चा, कहां से आए थे, कहां जाना था? मुझे समस्या क्या है कि मुझे जयपुर से और उदयपुर जाना था, तो उसके मालूम किया कि यहां का 4:05 पर गाड़ी आ गई, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 3 घंटे ट्रेन में बैठे रहे, जाएगी। गार्ड साहब पूछा, गाड़ी जाने वाली 6 बजे जाने वाली है, 7 बजे तक बैठे रहे, फिर जाने वाली है, बाद में मालूम किया कि गाड़ी रद्द कर दी गई है। अब यहाँ से उदयपुर के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी तक यहाँ इंक्वायरी देते हैं तो पूछताछ कहते हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है, जैसे होगी आपको बता दिया जाएगा। कोई गाड़ी में नहीं है फिलहाल, कोई भी गाड़ी नहीं है। चेतक है वो, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कब जाएगी, उसको बाईपास भी निकाल सकते हैं, फुलेरा से कहीं और जगह पर। वो कम से कम नहीं तो 1000 आदमी लोग तो परेशान हुए ही हुए हैं। रिफंड भी दिया जा रहा है? हाँ, रिफंड तो दिया जा रहा है, उसकी तो फुल व्यवस्था है, रिफंड तो करा सकते हैं। 71वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया, स्कूली विद्यार्थियों ने दी एक से एक प्रस्तुति। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ट्राम्बो अजमेर में 71वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। संस्था प्रधान ओम प्रकाश रेडियो द्वारा ध्वजारोहण किया गया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, कविता, लोक नृत्य की शानदार मनमोहक प्रस्तुतियां दी तथा फैंसी ड्रेस पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे तथा बच्चों की हौसला अफजाई की। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।